विराट कोहली की शर्मनाक हरकत, राष्ट्रगान किया घोर अपमान। केप टाउन न्यूजीलैंड मैदान पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा था। इस मैच में कप्तान के राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हालांकि मैच शुरू होने से पहले विराट कोहली ने एक बहुत बड़ा अपराध भी कर दिया। जब राष्ट्रगान हो रहा था तो उस दौरान विराट कोहली च्युइंगम चबाते हुए नजर आ रहे थे। अब वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। इस घटना के बाद फैंस के मन में विराट कोहली के लिए काफी गुस्सा भर गया है। बता दें कि राष्ट्रगान के वक्त च्युइंगम चबाना राष्ट्रगान का अपमान है। देश में 241 दिन में कोविड-19 के सर्वाधिक उपचाराधीन मरीज। नई दिल्ली 24 जनवरी को भारत में एक दिन में कोविड-19 के 3,06,064 नए मामले सामने आए। अब देश में संक्रमित की संख्या बढ़कर 3,95,43,388 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 22,49,335 हो गई है, जो 241 दिन में सर्वाधिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 439 और लोगों की संक्रमण की से मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,89,848 हो गई है। देश में अभी भी 22,49,335 लोगों कोरोना का संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 5.69% है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 62,130 की वृद्धि दर्ज की गई। देश में मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर घटकर 93.07% हो गई है। यूपी लखनऊ में कारोबारियों के घर इनकम टेस्ट के ताबड़तोड़ छापे, 3 करोड़ कैश बरामद। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 4 कारोबारियों के घर रविवार रात आयकर विभाग ने छापा मारा। इस दौरान करीब 3 करोड़ रुपए का नकद बरामद किए गए। छापे की यह कार्रवाई देर रात तक चलती रही। इस छापे में एक कारोबारी के ठिकाने से 2,70,00,000, दूसरे के घर से 30,00,000 की नकद बरामद हुई। 2 दिन पहले गोंडा में 65,00,000 रुपये की नकदी बरामद हुई थी। अप्रैल में बॉक्स ऑफिस पर दर्शक देगा KGF 2 समेत इन 4 बड़ी फिल्मों से होगी भिड़त। कोरोना काल के चलते जनवरी में रिलीज होने वाली ज़्यादातर फिल्में टाल दी गई हैं, इसलिए गुंगाबाई, कठियावड़ी और बधाई डान को छोड़कर फरवरी में किसी विशेष फिल्म की रिलीज की तारीख की घोषणा नहीं की गई है। लाल सिंह चड्ढा और KGF 2 की भिड़त। बड़े बजट की फिल्मों की बात करें तो बच्चन पांडे की रिलीज डेट का ऐलान 18 मार्च को किया गया है। अब आमिर खान ने अब फिल्म चड्ढा की 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली पुष्टि की है। पहले ऐसी चर्चा थी कि आमिर खान अपनी फिल्म को स्थगित कर सकते हैं या अप्रैल में ईद पर रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि KGF 2 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। इसके अलावा अजय देवगन की रनवे 34 और टाइगर श्रॉफ की हीरोपति 3 का क्रेश पहले से ही तय कर चुका है। सिनेमा में योगदान के लिए गोविंदा को मिला बड़ा सम्मान। रेलवे की ओर से बड़ी खबर निकल के आई है। रात में सफर को लेकर रेलवे ने बनाए नए नियम, ऐसा करने पे होगा अब एक्शन। रेल में रात को सफर करने के वक्त अक्सर यात्रियों के लिए तब मुश्किल हो जाती है जब डिब्बे में कोई व्यक्ति मोबाइल पर तेजी से संगीत बजाता हो, फोन पर तेज बात करता है या फिर रात में 10 बजे के बाद भी लाइट ऑन कर सोता है। हालांकि अब ऐसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा रेल यात्रियों को। रात में ट्रेन यात्रा को अधिक आरामदायक और सुखद बनाने के लिए रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को जरूर दिशा निर्देशक दिए हैं। आइए जानते हैं रेलवे की ओर से नए नियम। कोई भी यात्री इतनी तेज आवाज में फोन पर बात नहीं करेगा, तेज म्यूजिक नहीं सुनेगा जिससे साथी यात्री परेशान हो जाए। नाइट लैंप को छोड़कर सभी लाइटें रात में बंद करनी होगी। ग्रुप में चलने वाली यात्री अब ट्रेन में देर रात तक बात नहीं कर पाएंगे। सहयात्री की शिकायत पर कार्रवाई की जा सकती है। इस नियम को तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और ट्रेन स्टाफ की जवाबदेही भी तय की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 6,000 NGO की लाइसेंस रद्द करने के खिलाफ याचिका पर कल सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कल सोमवार को हजारों गैर लाभकारी संस्थाओं के लिए विदेशों से धन प्राप्त के लिए आवश्यक FCRA लाइसेंस को नवीनकृत करने से केंद्र के इनकार के खिलाफ ये याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इन 6,000 NGO ने अब तक
लाखों भारतीयों की कोरोना के काल की मदद की है। याचिका में कहा गया कि जब तक भारत में कोविड-19 सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपदा है, तब तक इन गैर सरकारी संगठनों के विदेशी योगदान अधिनियम या FCRA लाइसेंस दी जाए। याचिका में कहा गया है कि इन हजारों गैर सरकारी संगठनों के FCRA पंजीकरण को अचानक और मनाने ढंग से रद्द करना संगठनों, उनके कार्यकर्ताओं के साथ साथ उन लाखों भारतीयों के अधिकारियों का उल्लेखन जिनकी वे सेवा करते हैं। सीरीज हार को सेलेक्टर नहीं करेंगे सहन, अब 2 साल बाद टीम में वापस करेगा एक घातक बॉलर। अनुभवी आप स्पिनर रविचंद्र अश्विन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रहे 3 मैचों के वनडे सीरीज में वापसी करने में विफल रहे, जिसके बाद युवा स्पिनर कुलदीप यादव को भारतीय सफ़ेद गेंद की टीम में वापस लाने की मांग की जा रही है। चहल ने पिछली बार 2018 में दक्षिण अफ्रीका में वनडे सीरीज खेली थी और कुलदीप ने 17 विकेट लिए थे। यह जोड़ी 2017 से 2019 के बीच भारतीय सफ़ेद गेंद वाली टीम में नियमित थी और बड़ी सफलता हासिल की। भारत के नए टेस्ट कप्तान चुनी BCCI, जल्द हो सकता है ऑफिशियल अनाउंसमेंट। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को मिली हार के बाद विराट कोहली ने टेस्ट कप्तानी पद पर इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद रोहित शर्मा को टीम इंडिया का अगला टेस्ट कप्तान भी बनाया जा सकता है। आईफोन 50 सीरीज में मिल सकता है 5x वाला टेलीफोटो लेंस। आईफोन 14 सीरीज की लॉन्चिंग का भी कोई अता पता नहीं है, लेकिन आईफोन 15 सीरीज को लेकर लीक रिपोर्ट आने लगी है। कहा जा रहा है कि एप्पल ने आईफोन 15 के प्रोटोटाइप की टेस्टिंग शुरू कर दी है। चाइनीज कंपनी को टक्कर देने आ रहा है मेड इन इंडिया स्मार्टफोन, 25 जनवरी को लॉन्च होगा। मेड इन इंडिया कंपनी माइक्रोमैक्स बाजार में एक नया स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स इन नोट 2 लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह स्मार्टफोन 25 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा और इसका खुलासा कंपनी ने अपनी आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए किया है। माइक्रोमैक्स इन नोट 2 ई कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट के माध्यम से सेल के लिए उपलब्ध होगा। इसमें यूजर्स को कई शानदार फीचर की सुविधा मिलने वाली है। इसमें 6.43 इंच के एमोलेड डिस्प्ले दी जा सकती है। इसके अलावा डिजाइन की बात करें तो यह डेंजिंग ग्लास फिनिश से बना होगा। यूजर्स को 30 वाट फास्ट चार्ज सपोर्ट की सुविधा मिलेगी, जो मात्र 25 मिनट से 50% बैटरी चार्ज कर सकती है। सिक्योरिटी के लिए यूजर्स को साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। इस स्मार्टफोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा। इसमें पंच होल डिस्प्ले और बॉटम में 3.5mm ऑडियो जैक भी मिलेगा। अन्य लीक्स के अनुसार फोन के प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल हो सकता है, जबकि पावर बैंक के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी जा सकती है। गणतंत्र दिवस पर आतंकी साजिश का खुलासा, बड़े धमाके की तैयारी। गणतंत्र दिवस से पहले आतंकियों की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। इंटेलिजेंट एजेंसियों से इनपुट मिला है कि सुरक्षा बलों के ट्रक पर आतंकवादियों ID ब्लास्ट या फिदायनी अटैक भी कर सकते हैं। ठंड से अभी राहत नहीं मिली, दिल्ली UP समेत इन राज्यों में जारी रहेगा शीत। बारिश ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड। दिल्ली में बारिश के बाद अब शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है, जिससे सर्दी और बढ़ गई है। पिछले 2 दिनों में बारिश समेत जनवरी में रिकॉर्ड टूट गया है। 122 साल बाद जनवरी में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक ऐसी स्थिति रहेगी। यही नहीं, 26 और 27 जनवरी को शीतलहर तेज हो सकती है, इसके चलते पारा और लुढ़क सकता है। भारत मौसम विभाग के मुताबिक देश में 1901 के बाद यानी 122 वर्षों में जनवरी में यह सबसे अधिक बारिश है। भुवनेश्वर कुमार को ODI और T20 में अब जल्द मौका नहीं मिलेगा। भारत के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा को लगता है कि भुवनेश्वर कुमार पिछले 18 महीने से फिट पूरी तरह से नहीं दिख रहे हैं और ये मुश्किल है कि वे आने वाले समय में भारतीय टीम में नहीं दिखाई देंगे। भुवनेश्वर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की सीरीज में बहुत खराब बॉलिंग की, उनको तीसरे मुकाबले से ड्रॉप कर दिया गया। भारत हालांकि तीसरा मैच भी हार गया। भुवनेश्वर कुमार ने पिछले 2 वर्षों में 7 एक दिवसीय मैच में
सिर्फ 9 विकेट लिए हैं, जबकि उनका T20 प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा। 2019 की शुरुआत के बाद 21 T20 में उन्होंने 7 रन की प्रति ओवर से अधिक की इकोनॉमी रेट से सिर्फ 20 विकेट लिए हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद BCCI ने लिया फैसला, भारत वेस्टइंडीज का मैच अब अहमदाबाद में होगा। जयपुर में 9 फरवरी को होने वाले भारत और वेस्टइंडीज के वनडे मैच कैंसिल हो गए हैं। जयपुर सवाई मान सिंह स्टेडियम को 8 साल बाद वनडे इंटरनेशनल मैच की मेजबानी मिली थी। यह मैच अब अहमदाबाद में खेला जाएगा। BCCI की टूर एंड फिक्स कमेटी ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद यह फैसला लिया है। भारत और वेस्टइंडीज के पहला वनडे मैच 6 फरवरी, दूसरा 9 फरवरी और तीसरा 11 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच पहला T20 16 फरवरी, दूसरा 18 फरवरी और तीसरा 20 फरवरी को कोलकाता के इंडियन गार्डन में खेला जाएगा। अंडर-19 वर्ल्ड कप बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब एक्सरे मिनटों में बता देगा कोरोना है या नहीं। RT-PCR में टेस्ट लगते हैं घंटों। अब एक ऐसी नई एक्सरे टेक्नोलॉजी आई है जिससे बिना RT-PCR टेस्ट किए ये पता लगाया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित है या नहीं। अब तक किसी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण पता लगाने के लिए रैपिड एंटीजन या RT-PCR टेस्ट का सहारा लिया जाता है। ये तकनीक उन देशों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है जिनके यहाँ RT-PCR टेस्ट की कमी है।